ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। मौन है ही, मौन के अलावा तुमने जो अंजल पंजर कचरा इकट्ठा कर रखा है उसकी व्यर्थता को देख लो, यही है मौन को साधना। इंटरेस्ट से मुक्त होना है। परमात्मा मौजूद है, मौन मौजूद है, उनसे तुम्हारी दूरी इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत सारे दूसरे इंटरेस्ट्स पाल रखे हैं, हजार तरह की रुचियां पाल रखी हैं। किसी को कपड़ों में इंटरेस्ट है, किसी को टीवी में इंटरेस्ट है, किसी को खरीदारी में इंटरेस्ट है, किसी को आदमी में, किसी को औरत में। ये सब जो तुम्हारी नाना प्रकार की रुचियां हैं, इन्होंने ही तुम्हें परमात्मा से दूर कर रखा है। परमात्मा में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं जगाना है। जो पचासों इंटरेस्ट पाल रखे हैं उनसे आजादी चाहिए। किस मौन की बात हो रही है? वो जो समाज से गहरा है, वो जो प्रकृति से गहरा है। सामाजिक तल पर मौन नहीं साधा जा सकता, बातचीत करनी पड़ेगी। प्राकृतिक तल पर ही मौन नहीं साधा जा सकता, कर्म तो होंगे ही क्योंकि प्रकृति में कर्म बैठा हुआ है। प्रकृति में ही कुछ शांत नहीं, वहां तो गति है लगातार। हृदय मौन रहे, मन का केंद्र मौन रहे, उस मौन की बात हो रही है। जबान तो बोलेगी, लब तो बोलेंगे, गौर करना, नजर रखना अपने आप पर और अपने आप को पाओ कि जल्दी ही बदल जाते हो, तो अपने आप से बचना। आध्यात्मिक आदमी मूडी नहीं हो सकता। और तुम अगर अभी ऐसे हो कि पल में गर्म और पल में ठंडे, तो बड़ी गड़बड़ चल रही है तुम्हारे साथ। तुम्हारी हालत ऐसी है कि मन बड़ा खुशगवार है और एक खबर आई जरा सी, या किसी ने कुछ कह दिया और मन का माहौल बिल्कुल ही बदल गया, तो बड़े उखड़े हुए चल रहे हो, बड़ा निर्मूल जीवन जी रहे हो। जो चीज जितनी जल्दी जल्दी बदले वो उतनी नकली है। और सच्ची चीज की पहचान ये है कि वो या तो बदलेगी नहीं, या बदलेगी भी तो बहुत शनह शनह, जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म आता है, कैसे आता है? धीरे धीरे। जहां कहीं भी कुछ ऐसा देखना कि क्षण क्षण
नया रूप है, वहां जान लेना कि मामला गड़बड़ है।